डीसीबी कार्यालय के सामने धड़ल्ले से बिक रहा है गुटखा, न कैंसर का डर न पुलिस का। मीरा भाईंदर में फैला है गुटखा माफियों का जहरीला जाल। जी हाँ, मीरा रोड डीसीबी क्राइम के कार्यालय के कुछ ही कदम की दूरी पर बेचा जा रहा है गुटखा। यह कोई चौकी या बीट चौकी नहीं बल्कि डीसीपी कार्यालय है और यहाँ खुलेआम आसानी से गुटखे का व्यापार। कहीं ना कहीं यह प्रश्न उठाता है कि क्या पुलिस प्रशासन गुटखे के खिलाफ कार्रवाई में गंभीर है? क्या गुटखा माफिया इतना पावरफुल हो गया है कि उन्हें पुलिस प्रशासन के आला दफ्तर के सामने भी गुटखे का व्यापार करने से कोई हिचकिचाहट नहीं होती? कौन सप्लाई कर रहा है इतनी मात्रा में गुटखा? कैसे आता है इन क्षेत्रों में गुटखा? कहाँ है गुटखे के गोदाम? कब की जाएगी गुटखा माफियाओं पर कार्रवाई? यूं तो इन दिनों मीरा भाईंदर में गुटखे का अवैध व्यापार भरपूर फल फूल रहा है। जगह जगह पान टपरी पर गुटखा जैसे खतरनाक जहर आसानी से मिल रहा है। आपको बता दें कि कई एनजीओस और खास तौर पर कैंसर हॉस्पिटल के डॉक्टर्स की काफी मेहनत के बाद इस गुटखे जैसे जहर पर पाबंदी लाई गई है ताकि लोगों को कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी से बचाया जा सके। लेकिन अगर इतनी जद्दोजहद के बाद भी पुलिस प्रशासन के कार्यालय के पास ही खुलेआम गुटखा बेचा जा रहा है तो ये बड़ी गंभीर और चिंताजनक बात है। देखना यह है कि क्या पुलिस प्रशासन गुटखा माफियाओं पर शिकंजा कसने पर कामयाब होगी या नहीं। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। इस जानकारी की अगली कड़ी में हम आपको मीरा रोड के लोगों की राय और मीरा रोड रेलवे स्टेशन का हाल बताएंगे। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए और देखते रहिए तहलका न्यूज़ इंडिया।